सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम NCERT की कक्षा सातवीं की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा के तीसरे पाठ स्वावलंबनम के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं अथवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा लीजिए ताकि आने वाले समय में नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का तृतीय पाठ स्वावलंबनम। सबसे पहले हम स्वावलंबनम का अर्थ जानेंगे। स्व अर्थात अपने, अवलंबन अर्थात सहारे। हम जब अपने सहारे होते हैं तो हम स्वावलंबी होते हैं। तो यहाँ पर स्वावलंबनम का जो अर्थ हुआ आत्मनिर्भरता। इस कथा में हम पढ़ेंगे दो बच्चे हैं, एक स्वावलंबी है और एक अपने सारे काम अपने घर में काम करने वाले नौकरों से करवाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे, दो मित्र थे जिनका एक का नाम था श्रीकंठ और एक का नाम था कृष्णमूर्ति। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध अर्थात धनवान आसीत थे। जो श्रीकंठ था उसके पिता धनवान थे, अतः इसलिए तस्य भवने उसके भवन में सर्वविधानी सुख साधनानि आसन। सर्वविधानी अर्थात सभी प्रकार के सुख साधन आसन अर्थात थे। जो श्री कृष्ण था, श्रीकंठ था, उसके पिता धनवान व्यक्ति थे, इसलिए उसके घर पर सभी प्रकार के सुख साधन उपलब्ध थे। आइए देखते हैं उसके घर में कौन कौन से साधन उपलब्ध थे। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभाः। चत्वारिंशत् अर्थात 40, स्तंभाः अर्थात खंभे, उसके घर पर 40 खंभे आसन थे। तस् अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके घर में क्या थे 18 प्रकोष्ठेषु कमरे, उसके 18 प्रकोष्ठों में कमरों में 50 गवाक्षः 50 खिड़कियाँ, गवाक्षः अर्थात खिड़कियाँ, चतुर्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुर्चत्वारिंशत् 44 44 द्वाराणि अर्थात दरवाजे थे। उसके घर पे 18 कमरे थे, उन कमरों में 50 खिड़कियाँ थी और 44 दरवाजे थे। 37 विद्युत व्यजनानि च आसन, 37 अर्थात 36 विद्युत व्यजनानि च आसन, विद्युत के व्यजनानि अर्थात पंखे, बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र अर्थात वहाँ पर, कहाँ पर, श्रीकंठ के घर पर 10 सेवकाः, 10 नौकर निरंतरम हमेशा कार्यम कुर्वन्ति स्म, हमेशा कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु जो कृष्णमूर्ति था उसके माता पिता निर्धनौ अर्थात निर्धन थे, कृषक दंपति और एक किसान दंपति थे, मतलब एक गरीब किसान दंपति थे। कौन? कृष्णमूर्ति के माता पिता। आइए, तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत। उसका घर, किसका घर, कृष्णमूर्ति का घर आडंबर विहीन अर्थात इन सारे आडंबरों से विहीन था, साधारण। और कैसा था वो? साधारणंच आसीत, वो बिल्कुल साधारण था, मतलब जिस प्रकार का श्रीकंठ का घर था, इतने सारे कमरे, इतनी सारी खिड़कियाँ, विद्युत के पंखे, इन सारी चीज़ें कृष्णमूर्ति के घर में नहीं था, उसका घर बिल्कुल साधारण घर था। आइए आगे देखें। एकदा एक बार श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ 9 प्रातः 9 सुबह 9 तस्य गृहम् उसके घर
आगच्छत मतलब गया। एक बार जो श्रीकंठ था वो कृष्ण मूर्ति के घर प्रातः 9 बजे गया। तत्र वहाँ कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त अर्थात अपनी शक्ति के साथ मतलब जिनका जितना उनका सामर्थ्य था उसके अनुसार उन्होंने श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन् उसका अतिथि सत्कार किया अर्थात उनके पास जो भी था उसी से उन्होंने अपने ताकत के अनुसार अपनी शक्ति के साथ श्रीकंठ का अतिथि सत्कार स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ अकथयत। श्रीकंठ ने कहा मित्रो अरे मित्रो अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम अर्थात मैं भवताम आपका सत्कारेण सत्कार के द्वारा अतिथि सत्कार के द्वारा संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। आगे देखिए उसने क्या कहा केवलम इदमेव मम दुखम केवल मेरा इतना ही दुख है यत जो तव गृहे तुम्हारे घर में एकोपि भृत्यः न अस्ति मतलब एक भी भृत्यः अर्थात नौकर एक भी नौकर नहीं है। जो श्रीकंठ था उसने अपने मित्र कृष्णमूर्ति से कहा कि आपने जो मेरा स्वागत सत्कार किया उससे मैं खुश हूँ लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। आइए देखें मम सत्कारायो मेरे सत्कार के लिए भवताम आप लोगों को बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ अर्थात तुमने जो मेरा अतिथि सत्कार किया उसमें तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवा कर्मकाराः सन्ति मम गृहे मेरे घर में बहवा कर्मकाराः सन्ति बहुत सारे कर्मकार अर्थात काम करने वाले नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत तब कृष्णमूर्ति ने कहा मित्रो अरे मित्र ममापि अष्टौ कर्मकाराः सन्ति मेरे भी 8 कर्मकाराः सन्ति मतलब 8 नौकर हैं। तेचा उनमें से 2 पादौ 2 तो मेरे पैर हैं 2 हस्तौ 2 मेरे हाथ हैं 2 नेत्रे 2 मेरे नेत्र हैं 2 श्रोते इति और 2 मेरे कान हैं। श्री कृष्णमूर्ति ने क्या कहा कि मेरे जो 8 नौकर हैं उनमें से मेरे 2 पैर हैं 2 हाथ हैं 2 आँख और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षण मम सहायकाः एते मतलब इनके द्वारा प्रतिक्षण मतलब पल पल हमेशा मम सहायकाः ये मेरे हमेशा सहायक के रूप में काम करते हैं मतलब ये मेरे सहायक हैं। किंतु लेकिन तव भृत्याः तुम्हारे जो नौकर हैं सदैव हमेशा सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति सदैव मतलब हमेशा सर्वत्र मतलब सभी जगह उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति मतलब हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। कृष्णमूर्ति ने श्रीकंठ से कहा कि जो मेरे 8 नौकर हैं हाथ पैर आँख और कान ये हमेशा किसी भी समय ये मेरी मदद कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे घर में जो काम करने वाले नौकर हैं वो हमेशा और हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते। तुम तु स्वकार्याय भृत्याधीनः तुम तु मथा तुम स्वकार्याय अपने कार्य से तो अपने कार्य के लिए भृत्याधीनः नौकरों के अधीन हो अर्थात तुम अपना काम नहीं कर सकते तुम हमेशा नौकरों के अधीन रहने वाले हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः जब जब वे सब अनुपस्थित रहते हैं तदा तदा तब तब तुम कष्टम अनुभवसि तुम कष्ट का अनुभव करते होंगे। स्वावलंबने आत्मनिर्भरता से तू सर्वदा सुख में वो हमेशा सुख ही मिलता है ना कदापि कष्टम भवति कभी भी दुख नहीं होता है कभी भी कष्ट नहीं होता है। कृष्णमूर्ति ने श्रीकंठ को समझाया जो तुम्हारे घर नौकर काम करते हैं वो नौकर हमेशा उपलब्ध नहीं रहते हैं और जब वो नौकर
अनुपस्थित रहते हैं उस समय तुम्हें काम करना पड़ता होगा, तो तुम्हें निश्चित रूप से कष्ट का अनुभव होता होगा। आत्मनिर्भरता से बढ़ करके कोई सुख नहीं है। और दूसरों के अधीन होना इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं है। आइए आगे देखें। श्रीकंठ अवदतो, श्रीकंठ ने कहा, मित्रो अरे मित्रो, तो वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि, मेरा मन महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। अधुना अब अहमपि स्वकार्याणि, अहमपि अर्थात मैं भी स्वकार्याणि अपने कामों को स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयमेव अपने आप ही कर्तुम इच्छामि, करना चाहता हूँ। भवतु सार्ध द्वादश वादन इदम सांप्रतम गृहं चलामि। अब सार्ध द्वादश वादन अर्थात सार्ध आधा द्वादश बारह मतलब 12:30 बज रहे हैं, सांप्रतम गृहं चलामि, अब मैं घर को चलता हूँ अर्थात घर को जाता हूँ। तो इस प्रकार बच्चों ये स्वावलंबनम नामक कहानी हमने पढ़ा, जिसमें श्री कृष्ण और श्रीकंठ जो मित्र होते हैं, और कृष्णमूर्ति ने श्रीकंठ को आत्मनिर्भर होने की सलाह देता है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। इसमें इस कहानी में जो कि संख्यावाची है, इसमें 12 महीनों की बात की गई है और 4 ऋतुओं की बात की गई है। आइए देखते हैं वो 12 महीना कौन कौन से हैं। सबसे पहला चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। इनके जो चैत्र और वैशाख, इनमें दो जो ऋतु रहती है उस ऋतु का नाम है वसंत। इसी प्रकार ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में जो ऋतु रहती है वो है ग्रीष्म ऋतु, और श्रावण और भाद्रपद में जो ऋतु रहती है वो है वर्षा ऋतु। इसी प्रकार अश्विन और कार्तिक में जो ऋतु रहती है वो है शरद ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष में जो ऋतु रहती है वो है हेमंत ऋतु, और इसी प्रकार माघ और फाल्गुन में जो ऋतु रहती है वो है शिशिर ऋतु। आइए इस पाठ के शब्दार्थों को देखें। समृद्ध धनी, 44-40, 18-18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50-50, गवाक्ष खिड़कियाँ, 44-44, 36-36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्मकर काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्यः नौकर अथवा सेवक, शक्नुवन्ति सकते हैं, सार्ध द्वादश वादनम 12:30 बजे, सांप्रतम अभी। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार आज हमने इस पाठ स्वावलंबनम को पढ़ लिया है। आने वाली वीडियो में शीघ्र ही आप लोगों के सामने इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी बहुत जल्दी लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इस पाठ को समझिए और इसके शब्दार्थों को लिखिए। आने वाली वीडियो बहुत ही शीघ्र आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।